जहां दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा, बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बारे में अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, वहां एक ऐसा मुद्दा भी है जिसके ऊपर बहुत कम बातचीत हो रही है और जिससे बचने के लिए बहुत कम टूल्स अभी अवेलेबल हैं। ये मुद्दा है रिवेंज पॉर्न का, ये मुद्दा है इमेज और वीडियो बेस्ड अब्यूज का। दुनिया में अक्रॉस द ग्लोब इंटरनेट पर महिलाओं को इस तरह की नॉन कंसेंशुअल इमेजेस और वीडियोज के शेयरिंग पर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। उनका इस इशू से उनके रिश्तों पर, उनके घर पर और उनकी पर्सनल लाइफ पे बहुत बुरा असर हो रहा है। इवन बच्चों के साथ ये घटना बहुत बढ़ती जा रही है कि उनके वीडियोस रिकॉर्ड करके, उनके इमेजेस लेकर के उनको कई लोग ब्लैकमेल करते हैं। हमारी पुलिस के पास ऐसे रिसोर्सेज ना होने की वजह से जिनसे वो इन लोगों को बचा सके, ना होने की वजह से वो भी इनकी खासा मदद नहीं कर पा रहे हैं। आज ज़रूरत है एक ऐसे सेंटर की और एक ऐसे इनिशिएटिव की जो कि महिलाओं को और बच्चों को इस तरह की घटनाओं से बचा सके। ये एक बहुत ही बढ़ता एपिडेमिक है और हमारी पिटिशन है, हमारी अपील है ऑनरेबल मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी से फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कि प्लीज़ एक ऐसा विक्टिम सपोर्ट सेंटर क्रिएट करें जहाँ इस तरह की घटनाओं को देखा जा सके और तुरंत उन पर कार्रवाई की जा सके। हमारी एक और अपील है उन सोशल मीडिया स्टेक होल्डर से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि इस तरह की कोई भी पिक्चर, वीडियो या कोई भी पोस्ट वो देखें जिनसे जो रिवेंज पॉर्न के तहत आती है, तो उसे तुरंत हटाएं ताकि औरतों और बच्चों को इस तरह की मिनेस से बचाया जा सके।